रीवा पुलिस ने लूट व हत्या के आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपी बैस बदल कर रह रहा था, जिसे पुलिस ने शारदापुरम से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूट के गहने, एटीएम कार्ड व लाखों रुपए की नकदी मिली। आरोपी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जो कि घटना के बाद से बेस बदलकर रीवा शहर के समान शारदापुरम रह रहा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिसे कब्जे से पुलिस ने लाखों रुपए नकदी के साथ ही बैंक एटीएम कार्ड व लूट किए गए गहने भी जब्त किए। आरोपी बाबा अभिराम दास बनकर रह रहा था, जो कि जितेंद्र शुक्ला जसरा इलाहाबाद यूपी की निवासी है। पच्चीस और 26 की दिल्ली रात में रायपुर जिले के थाना रांची अंतर्गत एक पूजा कराने के बहाने एक मृत महिला की जो है हत्या करते हैं, उसके घर में जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जैसे ही ये सूचना पुलिस अधीक्षक रायपुर जिले को मिली, उन्होंने पुलिस अधीक्षक रीवा से जो है संपर्क किया, क्योंकि जो आरोपी था उसे ऐसा पता चल रहा था उस गिरोह के माध्यम से कि वह रीवा जिले का रहने वाला है। तो पुलिस अधीक्षक रीवा इस मामले की गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित करी और आरोपी बाबा अभिराम दास उर्फ जितेंद्र शुक्ला, इसकी उम्र 45 वर्ष है और ये इलाहाबाद जिले का रहने वाला है, लेकिन ये साधु के वेश में ये शहर में छुपा हुआ था। इसको सामान थाना अंतर्गत शारदापुरम से पकड़ने में रीवा पुलिस को कामयाबी मिली है, साथ ही साथ एक बाल अपचारी को भी पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। आरोपियों के पास से जो लूटा हुआ सामान था, उसको करीब 2 लाख सोने की चेन, 2 लाख चांदी लॉकेट, 1 लाख सोने का चूना और करीब 1,38,460 रुपये नगद और एटीएम कार्ड जो है बरामद मिली है। इसमें काम करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक रीवा और पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की। कैसे वारदात करते थे लोग, क्या तरीका रहता था? ये जो है पूजा करने के बहाने जो है घर में जाते थे और जैसे ही थोड़ा सा हाल मिलाल बन जाता था घर वालों से, तो उस समय वो घर में अकेली थी, वहाँ पर जो बूढ़ी औरत थी, तो फिर उसके बाद जो है बूढ़ी औरत की उनने हत्या कर दी और घर से माल जो है लूट लिया और खराब हो गया। इसके अलावा भी इनके ऊपर कुछ अपराध ये अभी जो है अभी हमको जैसे सूचना मिली है तो हमने गिरफ्तार किया है। अब जो है छत्तीसगढ़ से भी जो है इनका पुराना अपराधी रिकॉर्ड निकलवाया गया है और रीवा जिले से भी पूरा पता चला है। हाल ही में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में सेम इसी तरह घटना होती है, महिला घर में अकेले थी और पूजा कराने के बहाने घर से ठगी कर ली जी। पूजा पाठ थोड़ा तेज बोलेंगे सुनाएंगे, पूजा पाठ करना या देवता की चोरी कर ली। अब ये तो उसका विषय है कि पूजा पाठ करने के बहाने जो है वहाँ पर उन्होंने जाकर के घटना कायम करी, तो अब इनका इंटेंशन तो वहाँ पर चोरी करना ही। ये अकेले सर कहेंगे कि और सदस्य हैं सर? इनके साथ एक बाल अपचारी वाला, दो लोग मिलकर पूरी घटना को, दो लोग मिलकर के पूरी घटना को अंजाम दिया।